दोस्तों राजस्थान से एलिमिनेटर मुकाबले में हारने के बाद आरसीबी की टीम हो गई आईपीएल से बाहर, लेकिन बाहर होते ही आरसीबी को लग गए बड़े झटके, जिसके बाद दिनेश कार्तिक ने छोड़ दिया आरसीबी का हाथ। जी हां दोस्तों, आईपीएल का एलिमिनेटर मुकाबला राजस्थान और आरसीबी की टीम के बीच अहमदाबाद के स्टेडियम में खेला गया, जहां दोस्तों जो टीम ये मुकाबला जीतती वो टीम क्वालिफाइड टू मुकाबले में हैदराबाद से मैच खेलती, लेकिन जो टीम हारती उसका सफर यहीं खत्म हो जाता। ऐसे में दोस्तों इस आईपीएल में आरसीबी का सफर काफी शानदार रहा, जहां शुरुआत में वो सारे मुकाबले हार रही थी, लेकिन जब उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई तो फिर इसके बाद वो सारे मुकाबले जीती गई, लेकिन एलिमिनेटर मुकाबले में आकर राजस्थान ने उनकी जीत को रोक दिया। जहां दोस्तों इस एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 172 रन बनाए थे, इसके जवाब में दोस्तों राजस्थान की टीम ने 174 रन बनाकर इस मैच को 4 विकेटों से अपने नाम कर लिया और इस एलिमिनेटर मुकाबले में आरसीबी की टीम आईपीएल की रेस से बाहर हो गई। जहां दोस्तों इस हार के बाद कप्तान डुप्लेसी ने बोला कि हमने इस मैच में 20 रन कम बनाए, अगर 20 रन यहां हमारे ज्यादा होते तो फिर मैच का नतीजा कुछ और भी हो सकता था। जहां हमारे एक के बाद एक विकेट गिरने की वजह से हमारे रन नहीं बने, जहां मिडिल ऑर्डर में आरसीबी के कई सारे विकेट गिर गए थे, जहां मैक्सवेल तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और दोस्तों इस मैच में आरसीबी के बाद एक विकेट गिरने की वजह से आरसीबी की टीम 20 रन शॉर्ट रह गई थी और इस वजह से दोस्तों राजस्थान की टीम ये मुकाबला जीत पाई। लेकिन दोस्तों ये मैच खत्म हो जाने के बाद जहां विराट कोहली समेत आरसीबी के सभी खिलाड़ी उदास दिख रहे थे, लेकिन इसी बीच दिनेश कार्तिक ने बड़ा ऐलान कर दिया और दोस्तों दिनेश कार्तिक ने अब क्रिकेट को छोड़ दिया है। जब वो दोस्तों मैच हार गए थे तो फिर वो दोस्तों अपना दस्ताना ऊपर कर मैदान से बाहर जा रहे थे और सब लोग उनको ही देख रहे थे, यानी कि दोस्तों दिनेश कार्तिक ने अब क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है आरसीबी की हार की बड़ी वजह क्या थी? ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है केकेआर की टीम से कौन सी टीम भिड़ेगी, हैदराबाद या राजस्थान की टीम? आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएं।